अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और नया चैप्टर है बायो इट्स अ बायो और जो आज हमारा चैप्टर है दैट्स डायवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है तो डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इस यहाँ पर हमें स्टडी करना है प्लांट्स को भी स्टडी करना है, और एनिमल्स को भी स्टडी करना है तो ये जो हमारा ये जो पूरा चैप्टर रहेगा इसमें हम मतलब जो हमारी डीलिंग रहेगी हमारा जो डीलिंग रहेगा वो रहेगा प्लांट्स के साथ भी और एनिमल्स के साथ भी यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन भी पढ़नी है यहाँ पे हमें डिफरेंट, डिफरेंट मतलब जो क्लासेस होंगे ना इनका जो मोरफॉल्जी है वो भी पढ़ना है और डिफरेंट डिविजन्स के जो डिफरेंट क्लास है इवन उनके फीचर्स भी पढ़ने हैं तो उससे पहले हम उसे डिटेल में जाएंगे हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी व्हाट बायोडाइवर्सिटी मीन्स ठीक है तो लेट वी स्टार्ट द बायो अगर बात करते हैं बायो है, की बायो बायो मीन सिंपली द लिविंग बायो लिविंग एंड डायवर्सिटी वॉट यू मीन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी यू नो द डाइवर्स द वेरिएशन द वेराबलिटी द वेरिएशन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन है अब वेरिएशन किस में वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ मोरोफॉलोजी वेरिएशन द फॉर्म ऑफ फिजोलॉजी वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ यू नो दैट देर इज जेनेटिक वेराबिलिटी ऑल्सो विद इन द जीन्स वेरिएशन है तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है वैरायटी ऑफ लाइफ आप देख रहे हो जो आपको एक आ, किसी पर्टिकुलर रीजन में मिलेगा किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो सिंपली वी जस्ट कॉल्ड द बायो इसलिए हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी सो वी जस्ट कॉल बायोडावर्सिटी मीन्स द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन एक पर्टिकुलर रीजन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स मिलेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेज्म में क्या बात करूँ डिफरें फार्मस ऑफ लिविंग ऑर्गिज्म मीन्स दैट आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मॉरफोलॉजिकल करेक्टर्स में मिलेंगे मॉरफोलॉजिकल फीचर्स में आपको मिलेंगे जैसे हम ह्यूमस का मॉरफोलजी अलग है अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे किसी और एनिमल के साथ तो वो हमसे क्वाइट ऑबली डिफरेंट होगा अगर उस एनिमल को तुम कंपेयर uh, करोगे तीसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ तो इनमें मतलब कंपेयर करोगे तो आप वो डिफरेंट आ पाओगे उसकी मोरोफोलजी आप डिफरेंट पाओगे उसके फीचर्स आप डिफरेंट पाओगे सो so, जो हमारा टॉपिक यही है कि बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे हमें स्टडी करने हैं डिफरेंट लिविंग फॉर्मस वेराइटी ऑफ लिविंग फॉर्म स्टडी करने हैं यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स ही नहीं नहीं यार एनिमल्स ही नहीं हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं प्लांट्स भी तो इसलिए यहाँ पे आपके एनिमल्स में जितने भी क्लासेस है एनिमल्स का किंगडम एनिमलिया उस किंगडम एनिमलिया में जितने भी आपके क्लास है वो स्टडी करने हैं किंगडम प्लांटी में जितने भी क्लास हैं वो आपको स्टडी करने हैं फिर जैसे किंगडम प्लांटी uh, में है जिमनोसपॉम्स है इंजियोसपॉम्स है ब्रायोफाइटा है टेरिडियोफाइटा ये सारे जो इनके जिन्हें बोलते हैं कि सब क्लास है इनको स्टडी करना है तो ये आपको बायोडाइवर्सिटी दिखाती है तो आप समझिएगा बायोडावर्सिटी से इट इज़ सिंपली द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपली मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ कि अगर अगर आप अपने आप को कंपेयर करोगे एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ वॉट यू फाइंड आपको क्वाइट डिफरेंट लुक्स मिलेंगे आपको डिफरेंट हाइट भी मिलेगी आप डिफरेंट पाओगे खुद के हाइट को अपने फ्रेंड की हाइट से अलग पाओगे खुद के लुक को अपने फ्रेंड के लुक से अलग पाओगे एंड uh, आप अपने आप को अपने आप की क्वालिटीज़ क्वाइट डिफरेंट पाओगे अपने फ्रेंड से सो बोथ आलथो आइडेंटिफाइड ऑन द सर्टेन फीचर्स आप कुछ आइडेंटिफाई करोगे कुछ फीचर्स पे आप आइडेंटिफाई करोगे Humans बहुत हैं लेकिन इनकी क्वालिटीज़ बहुत हैं नाउ अगर आप खुद को तुम कंपेयर करोगे आप किसी एनिमल के साथ मानो किसी आप काव के साथ कंपेयर करते हो तो आपको बिल्कुल अलग से बिल्कुल मतलब आपको नेचुरली यू विल फाइंड दैट देयर आर द देयर आर बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं वो आप में मतलब क्वाइट uh, डिफरेंट हो, होंगे क्वाइट डिस्टिंक्ट होंगे ओके सो यू यू नो दैट इसे हम कहते हैं कि दिस मीन्स दैट ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉस अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ओके इट फॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट फॉर्म एक पूरा स्ट्रक्चर अलग स्ट्रक्चर है दैट डिस्टिंग जो इसको अलग करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से सपोज अगर तुम किसी जगह जाओगे किसी हिल स्टेशन पे जाओगे या किसी फॉर्स्ट में जाओगे ठीक है या किसी आप सी साइड पे जाओगे तो वहाँ पे आप इन इफ यू जस्ट व्हाट यू फाइंड इफ यू फाइंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दे विल यू फाइंड दैम दे आर क्वाइट इंटायरली डिफरेंट आपको इंटायर्ली डिफरेंट फाना मिलेगा आपको इंटायरली डिफरेंट फ्लोरा मिलेगा सपोज आप किसी फॉरेस्ट में जाओगे वहाँ पे आपको डिफरेंट फ्लोरा मिलेगा डिफरेंट फाना मिलेगा जैसे मैं आप फाना की पहले मैंने दो टर्म्स यहाँ पे बताते हैं व्हाट इज फ्लोरा एंड फाना देखो फ्लोरा मतलब फ्लोरा इज एन प्लांट कम्युनिटी आई मीन से दैट प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स दे कॉन्स्टूट द फ्लोरा and what about the fauna fauna is the different types of animals so different types of animals constitute the flora and different types of animals constitute the fauna. ठीक है तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होंगे इंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा मिलेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाना मिलेंगे सो इवन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू फाइंड दैट हैव देयर ओन टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट दे ऑर्गेनिज्म दे वेरी इन देयर शेप दे वेरी इन देयर साइज दे वेरी इन देयर कलर्स और एक्सटर्नल एपरेंस ओके इन इवन दो इन द बिहेवियर आल्सो फॉर एग्जाम्पल अगर जाओगे कहीं अगर आपको मतलब आपको सपोज आप इफ यू टेक द एग्जाम्पल आप मैं एक छोटे एग्जाम्पल माइक ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की बात करता हूँ बैक्टीरिया ठीक है आप स्मॉल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को लो मेजर इट मेजर ओनली फ्यू माइक्रोमीटर्स एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन साइज है वैर अगर तुम बात करते हो दूसरे लिविंग ऑर्गेम दैट्स अबाउट थ्री मीटर यू नो दैट अबाउट थ्री मीटर लॉन्ग एक व्हेल की हम बात करते हैं जो तकरीबन थर्टी मीटर लॉन्ग है और अगर तुम प्लांट्स की बात करते आपको एक छोटा प्लांट मिलेगा माइक्रोस्कोपिक प्लांट मिलेगा माइक्रोस्कोपिक प्लांट आपने नाम भी नहीं सुना होगा बैटरिकोस्पोम एक एल्गा है जो Uh, मतलब uh, जो एल्गा है, जो एक्वेटिक है एल्गा माइक्रोस्कोपिक एलगा है आप मैं दूसरी एग्जांपल की आपको की, एल्गा की एलगा के बारे में बताऊंगा जो आपने सुना भी होगा वॉलवॉक्स एक माइक्रोस्कोपिक एलगा है देखो माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिकलगा है लेकिन ये वॉलवॉक्स आपको क्वाइट डिफरेंट मिलेगा बैटरिकोस्पम से तो बैटरिकोस्पोमम आपको क्वाइट डिफरेंट मिलेगा एक वो से जिसका नाम है जैसे मैंने अभी बोला बोला कि आपको बैटरी के आपको डिफरेंट मिलेगा फ्रॉम वॉल वॉक्स वॉल वॉक्स आपको अलग मिलेगा ओडोगोनियम से तो अलग वेराइटी ऑफ फॉर्म्स हैं आपको एवन अगर तो, आपको जिम्नोस्पोम्स कैलिफोर्निया में जिमनासफाम हंड्रेड मीटर्स ऑफ टॉल मिलेंगे तो

And easily available animals. At present, you just find there are the millions of the living organisms which are known to us. That's even the flora and fauna that are uh, removed in that way, the forests and mountains. Okay, uh, and in the oceans that are still to un unexplore. And you'll you, you, you will you'll get surprised that when you just uh, when uh, that when when we know one of out uh, six of the plants in a growing in a tropical or even though another forest, you'll find that there's a quite से आप बोलते हो कि इतनी ज्यादा डायवर्सिटी है ठीक है तो यही डायवर्सिटी जो हमें यही चैप्टर जो हमें रिलेटेड है यही चैप्टर जो हमें बताता है दैट्स अबाउट द डायवर्सिटी ऑफ देट्स अबाउट द डायवर्सिटी ऑफ लिविंग सो ना ये जो डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इस डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरिंग यूनिट्स है ठीक है कुछ मेजरिंग यूनिट्स है जैसे हम देख रहे हो कि हमारे पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है उस डायवर्सिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ मेजरिंग यूनिट्स हैं हम जिसे बोलते हैं वेज है हमारे पास वेज आर नॉट यूनिट्स बट वेज इज कॉल्ड एज अ वेज जैसे हमारे पास है एक जो मेजरिंग टर्म है उसे बोलते हैं जेनेटिक वेबिलिटी ठीक है तो जेनेटिक वेराबिलिटी हम बोलते हैं वॉट जेनेटिक वेराबिलिटी तो बात करते हैं जेनेटिक वेराबिलिटी विद इन द जेनेटिक वेराबिलिटी क्या है वे है जेनेटिक वेरेबिलिटी तो जेनेटिक वेरेबिलिटी में आते हैं कि इट इंक्लूड्स द डिफरेंट डिफरेंस आई मीन से दैट डिफरेंस इन द बॉडी साइज तो यहाँ पे जेनेटिक वेरेबिलिटी में आपको क्या चीज मिलेगा देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा इसमें से आप स्टडी करोगे डिफरेंसिस इन द बॉडी साइज तो आपको बॉडी साइज ओके कलर ऑफ अगर प्लांट है तो कलर ऑफ फ्लावर या और चीज जो एक्सप्रेस जो जेनेटिक डिफरेंस है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ए स्पेशीज मीनज वेरिएशन विद इन द स्पीशीज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल बिकॉज ऑफ द करेक्टर्स दैट आर एक्सप्रेसड टाइम ऑफ दैट आर टू बी बिकॉज ऑफ द आरज तो इन्हें कहते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद जैनेटिक वेराबल तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी मीनस सिंपली अब मैं बात करूंगा जेनेटिक वेरिएबिलिटी विद न स्पीशीज मीनज विद इन द स्पीशीज विद इन द बिकॉज ऑफ द जीनस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स दैट आर बिकॉज ऑफ द बिका जी इसे आप कहते हैं जैसे

एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पेशज इन ए जोग्राफिकल रेंज तो आपको इसमें आपको ये चीज़ मिलेगा कि हाउ मनी नंबर ऑफ इंडिजुल्स आर दियर कि एक लोकल ग्रुप में याज एज वेल हम बात करते हैं एक डिस्ट्रब्यूशन ऑफ ए स्पेशज़ की किसी जोग्राफिकल एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशीज़ हैं उसमें से आपको कितने नंबर ऑफ़ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उससे आप कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन एक तो कहते हैं जेनेटिक वेरेबिलिटी विदेशीज तो हो गया सिंपली मैंने कहा जेनेटिक वेरेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज बिकॉज ऑफ द जीन्स सो दे शो द डिफरेंट करेक्टर्स दूसरा हम बताते हैं डायवर्सिटी विद इन दौ डायशन मीन्स इंडिजुअलो देट देट आर प्रेजेंट विद इन द लोकल ग्रुप अब तीसरा जो है दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ स्पेशीज विद इन द नेचुरल कम्युनिटी ये भी एक मेजरिंग यूनिट है तो इसमें से आप इस इंक्लूड क्या करोगे डिफरेंट स्पेशीज इन एन हैबिटेट एक पर्टिकुलर हैबिटेट में एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज मिलेंगे ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशीज मिलेंगे लाइक like, मैं कह रहा हूँ एक जोग्राफिकल एरिया है इसमें से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज मिलेंगे जैसे आपको आपको कभी किसी फॉरेस्ट में जाओगी किसी मैं बात कर रहा हूँ इट्स ए नेचुरल कम्युनिटी किसी जोग्राफिकल uh, कम्युनिटी में जाओगे नेचुरल कम्युनिटी में जाओगे तो वहाँ आपको डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट स्पेशीज मीनज आपको वहाँ पर पाइनस रॉक्स भी भी मिलेगा आपको वहाँ पर पाइनस वैलचीना भी मिलेगा ठीक है तो हम यहाँ बताते हैं डाइवर्सिटी ऑफ़ स्पेशीज़ विद इन द नेचुरल कम्युनिटी तीसरी बात करते हैं इको सिस्टम डाइवर्सिटी तो यहाँ पे डाइवर्सिटी विद इन द इको सिस्टम यहाँ बोलते हैं कि डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी एंड एन इको सिस्टम तो इको सिस्टम इसके भी तीन टाइप्स हैं अल्फा डाइवर्सिटी है बीटा डाइवर्सिटी है गामा डाइवर्सिटी है, है तो यू विल स्टडी देम बट यहाँ पे आप याद रखिएगा हमारे पास जो तीन मेजरिंग यूनिट्स हैं हम किसे मेजर कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं तो वन इज़ गॉड जेनेटिक वेरेबिलिटी

Now, question is there. अगर आपके पास इतनी स्पेशीज हैं आपके पास इतने नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो अगर आप रफ कैलकुलेशन की बात करते हैं कि रफ uh, कैलकुलेशन की बात करते हैं अबाउट वी 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 जस्ट फाइंड दैट इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म uh, मतलब इनफैक्ट uh, इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर एनी बॉडी टू स्टडी दैम वन बाय वन ठीक है आप आउट ऑफ द ऑर्गेजम्स यूअर फाइंड द करैक्टर्स सच एज वास्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गनिज्म सो वी जस्ट कॉल दैट वी वी आर फाइंडिंग द वास्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज सिम्पली इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू स्टडी दैम वन बाय वन

बहुत सारा टाइम लग जाएगा आपको एक स्टडी करना है फिर दूसरा स्टडी करना है आपके पास कितनी स्पैशीज़ है आपके पास कितने ग्रुप्स हैं आपके पास कितने फाइलाज है आपके पास कितने क्लास है आपके पास कितने किंगडम्स हैं ठीक है थीके? इनको स्टडी करते करते तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा तो अब क्या करते हो इनको स्टडी करने के लिए आप ना इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप्स बनाते हो तो दो चीज़ें हैं मैं आपको बेस्ट बेस्ट टू थिंग्स बता रहा हूँ जो इस मतलब क्लासिफिकेशन से हमें फ़ायदा मिलता है देखो एक एक टाइम कंज्यूम करोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी स्टडी करने के लिए तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं बचेगा ठीक है दूसरी बात एक एक स्टडी करोगे तो आपको इतना ज्यादा मतलब उनपे एक्सपेंसिस आ जाएंगे ज्यादा एक्सपेंसिस आ जाएंगे ठीक है तो अब क्या है कि हमें दिया गया एक टर्म उसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन तो इस क्लासिफिकेशन से हमें क्या चीज मिलती है ये क्लासिफिकेशन इससे हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप किसी ग्रुप में एक को स्टडी करेंगे आपको पूरे ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगे किसी एक स्पेशज में किसी एक किंगडम में एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे तो आपको पूरे किंगडम के बारे में पता चलेगा किसी फाइला में किसी स्पेशीज में किसी जनेरा में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करोगे आपको पूरे फाइला और पूरे जनेरा के बारे में पता चलेगा सो दिस इज द इंपॉर्टेंस दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लासफाइंग वाई आर ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ग्रुप बनाते हैं अरे तुम्हारे पास इतने हैं लिविंग ऑर्गेनज में अरे पूरी डाइवर्सिटी पड़ी है पूरे पूरे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ़ लिविंग ऑर्गन पड़े अरे वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप, आपने देखा भी नहीं है नाम ही सुना होगा मैंने कुछ नाम्स बताए आपको बैटरकोसपो एम्बोल वॉक्स ऑल्थ्रोगोनियम ओडोगोनियम ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं कुछ एनिमल्स के नाम भी होंगे जो हमने सिर्फ सुने हैं देखे नहीं हैं कभी अरे ऐसे कैसे स्टडी करेंगे उनको कैसे पता चलेगा कैसे उनको सामने लाएंगे फिर आने हम स्टडी करेंगे लेकिन अब हमें क्या करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाते हैं ठीक है और बहुत सारे ग्रुप्स बनने के बाद उनमें से इस ग्रुप में से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करो उसके इनाटमी को स्टडी करो उसके मोरफॉलोजी को स्टडी करो उसके मतलब जेनेटिक्स जेनेटिक उसके जीनोटाइप को स्टडी करो उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को स्टडी करोगे उसके बिहेवियर को स्टडी करोगे ना पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलेगा ज एन एडवानटेज ऑफ द क्लासिफिकेशन ये एक एडवान्टेज है क्लासिफिकेशन सो वट एन क्लासिफिकेशन एक्चुअली सो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेज्म मे बी डिफाइनड एज द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटू डिफरेंट ग्रुप सब ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ दर सिमिलरिटीज एंड डिसमिलर एंड रिलेशनशिप्स तो क्या करते हो आप क्लासिफिकेशन में अरे यार आप ना काम करते हो आप लिविंग ऑर्गेनिम के ग्रुप्स बनाते हो ठीक है आपने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के तो इन ग्रुप्स में क्या चीज करते हो ये ग्रुप्स लेकिन बनाते हो किस पे बनाते हो यू मेक द अरेंजमेंट इन सच ए वे यू मेक ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इन सच ए वे दैट आप इन सिमिलरिटीज का भी ख्याल रखते हो आप डिसिमिलरिटीज का ख्याल भी रखते हो कोई ऑर्गेनिज्म सिमिलर है तो मिलाओ यहां कोई ऑर्गेनिज्म डिसिमिलर है तो अलग करो अब इनमें से कोई ऑर्गेनिज्म सिमिलर है तो इसको इस ऑर्गेनिज्म के साथ मिलाओ यहां पे डिसिमिलर तो इस ऑर्गेनिज्म के साथ ग्रुप करो एंड रिलेशनशिप्स इतना ही नहीं आपको रिलेशनशिप्स के बारे में भी ख्याल रखना है दो लिविंग ऑर्गेनिजम कितने इंटायरली रिलेटेड हैं इसीलिए हम फिर आगे आगे जब स्टडी करेंगे इसीलिए हम बनाते हैं इसीलिए हमें ये ख्याल रखना पड़ता है पहले किंगडम किंगडम के बाद फाइला पद सब किंगडम उसके बाद फिर आ, फिर ड्यूजन फिर डिविजन के बाद क्लास फिर जेनेरा फिर स्पैशीज अलग अलग करते हैं तो थोड़े रिलेटेड जो बहुत सारे दूर हैं उनको एक में रखते हैं फिर जो उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं उसको थोड़ा और क्लोज करते हैं फिर जो इनके करेक्टर्स ऑलमोस्ट ठीक ठाक हैं बहुत सारे करेक्टर्स मिलते हैं उनको और ग्रुप्स में रखते हैं फिर जब पर्टिकुलर जो लिविंग आवर में जिनका इंटायरली क्वाइट सिमिलर इंटायरली मतलब इंटायरली उनका मोलोफॉलजी भी एक है इनाटमी भी एक है उनका फिजोलॉजी भी एक है तो उनको एक स्पेशज में रखते हैं तो यहाँ पर तीन चीज़ों का ख्याल हम रखते हैं सिमिलरिटी डिफरेंस एंड रिलेशनशिप आप सिमिलरिटी भी देखते हो आप डिफरेंसेस भी देखते हो आप रिलेशनशिप्स भी देखते हो इन तीन चीज़ों के बुनियाद पे आप आप सिमिलरिटी भी देखते हो ठीक है आपने सिमिलरिटी भी देख ली आपने डिफर डिफरेंस भी देख ली लिविंग ऑर्गेनिज के दरमियान आपने रिलेशन भी देख ली तो इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद आप ग्रुप बनाते हो जैसे नहीं करते हम पहले देखते हैं डिजन जैसे हम बात करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम पहले देखते हैं फाइलम या डिजन प्लांटस क्लास ओके okay, क्लास हम देखें जैसे ऑर्डर ऑर्डर और एक दूसरा ऑर्डर देखते हैं फैमिली इसके बाद देखते हैं जीनस उसके बाद देखते हैं स्पेशियस जो मैंने कहा अभी जब हम ऑर्डर की क्लास की ऑर्डर डिवीजन की बात करते हैं इंटायरली डिफरेंट क्लास थोड़ा बहुत क्लोज ऑर्डर इससे थोड़ा क्लोज फैमिली उससे रिलेटेड क्लोज जीनस उससे क्लोज तो स्पेशीज़ तो बिल्कुल क्लोज ही है। स्पेशीज में दो ऑर्गेनिज्म जो इनके सब कुछ मिलता है इनके मॉर्फोलॉजी भी मिलता है इनका इनॉटमी मिलता है इनके फिजिकल फीचर्स भी मिलता है इनका जेनेटिक मेकअप भी मिलता है तो इसी तरह ऊपर ऊपर जाओगे थोड़ी थोड़ी डिफरेंस लगेगी नीचे नीचे आओगे जीन्स की ओर बिल्कुल क्वाइट मतलब सिमिलर होंगे तो ये हमें इससे हमें पता चलता है कि दिस इज द रीजन वाई वी आर क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बाद ये क्लासिफिकेशन दी तो मैंने कहा अर्ली अटैम्प्ट जो क्लासिफिकेशन है मैं इन डिटेल में पढ़ाऊँगा अर्ली अटैम्प्ट जो क्लासिफिकेशन की, की वो था मतलब एरस्टोटल ने किया थियोफेरस ने कहा ठीक है एरस्टोटल ने क्लासफाई किया लिविंग ऑर्गे अकॉर्डिंग टू दियर इन दियर हैबिटेट तो ये जो अर्ली क्लासिफिकेशंस और जो सिस्टम्स एंड किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशंस है ये मैं अगले वीडियोस में अगले जो अगले वीडियो में अपलोड करूँगा उसमें सारे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताऊँगा उसमें उसमें आपका थियोफेरिस्ट आएगा एरस्टोटल आएगा ठीक है तो थ्यूफेरस इज़ एरस्टोटल इज़ देयर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज़ देयर नेचुरल क्लासिफिकेशन इज़ देयर ये पूरा स्टडी जो क्लासिफिकेशन है वो हम अगले लेक्चर्स में करेंगे थैंक यू